नमस्कार मित्रों, अक्षर डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज के माध्यम से आईडी कार्ड डिजाइन करना सीखेंगे। चाहे किसी स्टूडेंट का हो या एम्प्लॉई आईडी हो, हम बहुत ही कम समय में सैकड़ों हजारों की संख्या में डिजाइन कर तैयार कर सकते हैं। हमने मेल मर्ज का एक वीडियो बना रखा है, चाहें तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर उसे देख सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक्सेल में डेटा शीट पहले तैयार कर लेते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए ये डेटा शीट इसमें मैंने पहले से तैयार कर रखा है। फोटो की लिंक जो पहले से यहाँ पर इंसर्ट है उसे हम सेलेक्ट कर पूरा डिलीट कर देते हैं। फोटो का लिंक हम कैसे यहाँ पर लाएंगे, इसके लिए पहले सेल को मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड का कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे, ये पॉप अप आ जाएगा और यहाँ पर जहाँ पर हमारी फ़ोटो है ई ड्राइव में है, इसको हमने ओपन कर लिया और नेम वन को क्लिक किया और ओके कर दिया। ये लिंक यहाँ पर आ गई। अब हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि नेम वन टू के नाम से मैंने कर रखा है। अब हम इसी में वन टू टू थ्री फोर ऐसे ही हम नंबर्स बदल देंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहाँ पर मैंने स्पीड फास्ट कर दिया है। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। पहले वाले लिंक पर क्लिक करके हम देख लेते हैं, फ़ोटो आ जाती है। अब इस फोटो को क्लोज कर देते हैं, इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लिंक है इसमें स्लैश सिंगल लगा हुआ है, इसको डबल करना है। इसके लिए हम राइट साइड में आते हैं, रिप्लेस पर क्लिक करते हैं और यहाँ सिंगल जो स्लैश है इसको डबल करते हैं। यहाँ डबल कर दिया और रिप्लेस ऑल कर दिया और ओके कर देते हैं, क्लोज कर दिया। ये लिंक ये यहाँ पर फोटोज़ की आ गई है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और अब वर्ड हम ओपन करते हैं। वर्ड मेरा ओपन हो गया है। अब हम पेज लेआउट में आएंगे, पेज सेटअप, और यहाँ इसका मार्जिन टॉप बॉटम 0.5 कर देते हैं और ओरिएंटेशन लैंडस्केप। अब इंसर्ट में आते हैं, टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ 9 सेल मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। सभी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ लेआउट में आते हैं और इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा देते हैं। इसकी हाइट लगभग 2.2 कर देते हैं और विड्थ इसकी 3.384 होता है लेकिन 3.4 कर देते हैं। अब हम यहाँ स्टार्ट मेल में आएंगे और यहाँ लेबल में और इसे कैंसिल कर देंगे। इसके बाद इंसर्ट, यहाँ शेप्स और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और यहाँ हम शेप से ड्रा कर देते हैं। यहाँ टाइप करते हैं, टाइप हियर इंस्टीट्यूट नेम। इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड का कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किए हुए ग्रेटर देन प्रेस करते हैं और ये बड़ा हो जाता है। अब फॉर्मेट पर
क्लिक करते हैं और यहाँ शेप फिल, शेप फिल में इसका कलर हम चेंज कर देते हैं और इसको सेंटर में हम सेट कर देते हैं। अब हम इसके नीचे जो मैंने डेटा शीट तैयार की है उसी के अनुसार हम फील्ड्स टाइप कर देंगे। इसे एक बार हम देख लेते हैं। पहले पर है रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, क्लास, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, फिर फोटो है। सबसे पहले हम यहाँ रोल नंबर टाइप करते हैं। ये रोल नंबर हो गया। इसी प्रकार से हम सब फील्ड्स टाइप कर लेंगे। यहां पर स्पीड फिर मैंने बढ़ा दी है। इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा साइज बड़ा करते हुए और इसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। लाइन की स्पेसिंग हमने 2 कर दिया है। और अब इधर मेलिंग टैब में अपडेट लेबल्स पर क्लिक कर देते हैं। अब आते हैं सेलेक्ट रिसिपिएंट्स और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। जो लिस्ट मैंने पहले बना रखी है उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीट 1 सेलेक्ट है क्योंकि डाटा मेरा सीट 1 पर है, इसलिए इसे हम ओके कर देते हैं। इधर हम देख रहे हैं सब हाईलाइट हो गए हैं, कर्सर रोल नंबर के सामने है। अब इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करते हैं और रोल नंबर पर क्लिक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट ऐसे नेम, फादर्स नेम सब हम सेलेक्ट करते हुए इंसर्ट कर लेते हैं। फादर्स नेम, फिर क्लास और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, फोटो अभी छोड़ देते हैं। अब हम अपडेट लेवल्स पर क्लिक कर देते हैं। सारी लेवल्स अब अपडेट हो गई और इधर प्रीव्यू हमने देख लिया कि सारे आईडी कार्ड पर नाम सब और नंबर सब चेंज हो गए। अब हमें फ़ोटो इंसर्ट करनी है तो फ़ोटो के लिए इंसर्ट पर आते हैं और यहाँ ड्रा टेबल, एक टेबल हम ड्रा कर लेते हैं। और कीबोर्ड का कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करते हैं, एक कर्ली का निशान बन जाता है। अब इसमें हम कैपिटल में इंक्लूड पिक्चर्स टाइप करते हैं और स्पेस देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देते हैं। अब मेलिंग टैब में आते हैं और यहाँ इंसर्ट मेल मर्ज में फ़ोटो पर क्लिक करते हैं। ये यहाँ से हाइड हो जाता है। अब लेवल अपडेट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि सब में ये टेबल आ गई है। अब हम यहाँ आते हैं फिनिश एंड मर्ज और यहाँ एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं। ऑल सेलेक्टेड है, इसे ओके कर देते हैं। हम देख रहे हैं फ़ोटो अब भी नहीं आई है। इसके लिए हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, सब सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद कीबोर्ड का F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करते ही ये फ़ोटो सब आ जाती हैं। इस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आईडी कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।